तो होता क्या कि स्पेसिफिक प्रेशर पॉइंट जिस पे प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है स्टेनोस्फीयर में, तो उसमें जो लिक्विड मैग्मा है वो इट ट्राइज टू कम टू द सरफेस ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल स्क्रैच से कंसीडर करेंगे। मेरे को लगा सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी करना है। तो सबसे पहले व्हेन यू स्टार्ट विद सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑल शुड नो इज द सिलेबस। सिलेबस के जितने कीवर्ड्स हैं सबको प्रॉपर याद होने चाहिए, और अगर हो सके तो व्हाट वी कैन ऑल डू इज टेक अ फोटो, ये प्रिंट आउट ऑफ दिस एंड स्टिक अ हार्ड कॉपी ऑफ दिस सिलेबस वेयर एवर वी आर स्टडिंग। तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में तो कुछ नहीं लिखा हुआ, एक बहुत ही ओपन एंडेड सा है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी फिजिकल सोशल इकोनॉमिक इंडिया ऑफ वर्ल्ड, इतना ओपन है मतलब सब आएगा। एंड मेंस के लिए बहुत ही फिजिकल, बहुत ही प्रिसाइज सा सिलेबस है। और ज्योग्राफी कौन से में आते हैं जनरल स्टडीज में? GS1 में आता है। कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं? 4-5 क्वेश्चन GS1 में, 4-5 इजीली आ जाते हैं। और प्रीलिम्स में एक देयर इज अ लिटिल मर्ज, दैट इज देयर इज अ कन्वर्जेंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स। तो मतलब इन टोटल 20-25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में और 4-5 क्वेश्चन GS1 में, राइट? सो ज्योग्राफी इज अ वेरी बिग चंक ऑफ होल द प्रीलिम्स वाला पार्ट एंड मेंस वाला पार्ट, राइट? सो इन दीज लेक्चर्स वी विल बी फोकसिंग मेनली ऑन इंडियन ज्योग्राफी। सो मेंस फर्स्ट थिंग है सेलियंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, जो 60% ऑफ बैच का हो रखा है। फिर सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड and factors responsible for location of primary, secondary, tertiary industries. ये बहुत important है, ये नहीं हुआ किसी कभी। हमने बस एक मैपिंग कर रखी कि natural resources के उसी को मैपिंग बोलते हैं। हमने we have done the mapping, natural resources कौन से कहाँ पे मिलते हैं। Factors responsible for location of primary, secondary, tertiary sector industries, this we have not done. And geophysical phenomena, earthquake, tsunami, volcano, cyclone, geographical features and their locations, ये सब हमने कर रखा है 60% of batches। बाकी जो freshers हैं उन्होंने भी सिर्फ syllabus पढ़ा है। फिर उसके बाद flora and fauna, this we will do Indian वाला focus में। या जैसे मैं कह रहा था prelims में almost 13-18 questions हर साल आते हैं, और मतलब इसको अगर थोड़ा सा extrapolate किया जाए तो ecology environment से भी there is some इन्फ्लुएंस की उसको ज्योग्राफी पता हो तो ही इज कंफर्टेबल आंसरिंग दैट क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं और मेंस में 3-4 क्वेश्चंस जो है इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं, 7-8 क्वेश्चन कंप्लीट ज्योग्राफी से आते हैं। दिस बैच विल फोकस ओनली ऑन इंडियन ज्योग्राफी और आई विल ट्राई कि जो फ्रेशर्स हैं उनको कोई इशू ना हो, जितना हो सकेगा हम इंक्लूड कर लेंगे बाकी का ज्योग्राफी का भी। तो ये एक ओरिएंटेशन क्लास है, मैं आपको समझ लेता हूँ, आप मेरे को समझ लीजिए किस तरह की हम क्लास ले पाएंगे। काफी इसमें डिफरेंशियल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ किया है कि उन्होंने नहीं कर रखा है। सो इंडियन ज्योग्राफी में अगर हम स्टार्ट करें तो बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले तो जो इंडियन ये एक है तो सिर्फ एक ओरिएंटेशन क्लास होगी, I'll provide a brief framework कि किस तरह हम पूरी क्लास कवर करने वाले हैं, मतलब पूरा बैच किस तरह चलेगा। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अगर बेसिकली ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो कितने तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट को ज्योग्राफिकल फीचर्स में, बताइए। सबसे पहले राइट, सो नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हिमालयन रीजन, ये इतना पूरा पार्ट नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट का भी जो अपर पार्ट है कवर कर रहा है हिमालयन रीजन। तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, व्हाट आर देयर पासेस, व्हाट आर देयर सिग्निफिकेंस, कौन से रिवर्स हैं, क्या है सब कुछ।
तो ये इंडियन ज्योग्राफी का सबसे पहले अगर मॉर्फोलॉजिकली डिवाइड किया जाए तो माउंटेन रीजन सबसे ऊपर, देन उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, ये पूरा पार्ट नॉर्दर्न प्लेन है। कौन कौन सी रिवर्स नॉर्दर्न प्लेन को इरिगेट कर रही हैं? ब्रह्मपुत्र, इंदस, बेसिकली जो है किसी ने इंदस बोला है, इंदस ऊपर से फ्लो करती है। ए लिसन लिसन यार, आपस में मत बात करो, बहस थोड़ा सा बढ़े प्लीज, आपस में मत की। सर ये सब गंगास की ट्रिब्यूटरी हैं जो ऊपर ही गंगा में मर्ज जाती हैं, तो इसको नदन प्लेन को इरिगेट करने वाली रिवर्स नहीं बोली, जो आपने कहा भागीरथी, अलकनंदा, ये सब हरिद्वार से पहले ही गंगा में मर्ज। एक तो गंगा एंड गंगा के सिस्टम, उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, 20-25-30 बहुत मेजर ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, गंगा उसके अलावा जो गंगा सिस्टम में नहीं है, नर्मदा, यमुना गंगा सिस्टम में आ गई ना, यमुना एक ट्रिब्यूटरी है, लूनी, नदन, ठीक है लूनी भी बोल सकते हैं, किसी ने इंदस बोला था, इंदस नहीं है क्योंकि इंदस जो है वो ऊपर से फ्लो करती है। सो बेसिकली इंदस की, इफ यू हैव टू से, द सतलुज इज द मोस्ट रिवर ऑफ इंदस, इंदस सिस्टम, सो दैट इज टू एन एक्सटेंट वी कैन से कि सतलुज इज इरिगेटिंग द नदन प्लेन। कावेरी बहुत नीचे है, महानदी तक बोल सकते हैं सर, नीचे नदन प्लेट की जो कंटूर बाउंड्री है वो महानदी या फिर नर्मदा से डिफाइन होती है। कृष्णा बहुत नीचे है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वो बहुत ज्यादा नीचे, वो नदन प्लेन में कंसीडर नहीं करते। बीच में विंध्याधन, सतपुरा, दो माउंटेन रेंजेस आ जाते हैं, उसके बाद से जो फिर वाटर कंटूर है वो डिवाइड हो जाता है। वाटर शेड समझते हैं यहाँ पे सर, हाँ, जो वाटर डिवाइड है, तो हेयर बेसिकली नर्मदा, ये सतपुरा एंड विंध्याधन रेंज आर एक्टिंग एज वाटर डिवाइड बिटवीन द नदन प्लेन एंड द डेक्कन प्लेट्यू। So the water that will be falling on that side will contribute to rivers, Ganga river system, and the lower one will contributing to Godavari and the other rivers. So ye jo Narmada aur Vindhyas aur Satpura hai, iske upar jo rivers flow kar rahi hain, to wahi basically contributing to Nadan plain. Aur Nadan plain ek bahut hi bada ilaka hai, ye yahan pe Sindh province hoti hai Pakistan ki, aur uske upar ye Khyber Pakhtunkhwa hai, yahan se leke wo Bangladesh tak sare hain. नदन प्लेन इज द लार्जेस्ट प्लेन कंप्लीट वर्ल्ड में, किसी भी रिवर इरिगेशन की वजह से लार्जेस्ट प्लेन फॉर्मेशन हुआ, राइट। तो ये है सेकंड नदन प्लेन, उसके बाद ठीक है डेजर्ट बोल सकते हैं, थर्ड उसके बाद है डेजर्ट एरिया, हमारे पास एक ही डेजर्ट एरिया है यहाँ पे, द थार सिस्टम, और फिर उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू, फिर जो पेनिनसुला रीजन हमारा। जिनका फिजिकल हो चुका है, कैन एनीवन एक्सप्लेन हाउ दिस डेक्कन प्लेट्यू फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम नदन प्लेन, एनीवन प्लीज। हाँ गगन इज सेइंग वेदर इट इज फॉर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बैच, I guess I am using bilingual language here. कोई हिंदी मीडियम का भी है क्या यहाँ पे? English is more comfortable. Okay. Anyone from हिंदी मीडियम जो कहे कि मैं कोई हिंदी में, I'll try at most I'll use English only then. Right. So anyone can please explain how this peninsula system is separated from northern plains? Why it is different geomorphically? Which volcanic eruption? When? Where? Southern side. There is no volcano over there. Deccan Plateau was formed due to volcanic eruption. Which volcano eruption? Reunion. That was actually a mental plume wala volcano. Wonderful, wonderful. So it was formed when this Indian Peninsula was moving over the Reunion Plateau, the Reunion hotspot. So that's a mental plume hotspot. Anyone, what is a hotspot, mental plume? Yeah, sab log. Nahin.
Where two plates meet, where there's a convergence or divergence plate, then there's a normal volcanic formation, that is stratospheric stratospheric volcanoes or other volcano. This is a special type of volcano, mantle plume. कहाँ गए ज्योग्राफी बैच वाले? ठीक है, आई ट्राई. कि भूल गए क्या, कब हुआ था ज्योग्राफी? तो अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है. ठीक है, सो जनरली व्हाट हैपेंस इज, let us say there is a convergent plate boundary. Convergent matlab, let's two continental plate are converging to each other, coming close to each other, and they interact. So in this plate boundary, what will happen is there will be a submergence of one plate and a upward upvergence of second plane. Due to submergence, what will happen? I don't know to what extent should I teach geomorphology over here. So let us say this plate gets submerged below. So due to this submersion, a volcanic eruption will take place over here. I'm discussing this in very layman's terms. Due to this submersion, a volcanic eruption will take place. This is volcanic eruption. This is a volcanic activity due to convergence or interaction of two plate boundaries. This is a very conventional form how a volcano form and volcanic eruptions take place. So how Deccan plate will form is very different from this all. So in Deccan Plateau, there was a one single continental plate, and how should I put it? It's very specific thing in lithosphere. When we discuss the beneath the surface of the earth, there is lithosphere, then is asthenosphere, and there we know all this mesosphere and baryosphere. So in asthenosphere, there is a liquid magma that is flowing over there. When there is a very high density of temperature and pressure over a specific point. So due to pressure gradient of a specific point, pressure gradient is focused in a very specific point on its asthenosphere. So lava automatically pushes upward without any, there is a positive entropy system over here. Aadhe log blank hai yahan pe. theek hai, main koshish karta hu. So hota kya ki specific, there are specific pressure points jispe pressure aur temperature bahut zyada hota hai asthenosphere mein. तो उसमें जो लिक्विड मैग्मा है वो इट ट्राइज टू कम टू द सर्फेस ऑन इट्स ओन. इट डज नॉट नीड कि कोई दो प्लेट बाउंड्री इंटरैक्ट कर रही हो, कुछ सबमर्जेंस हो, कुछ अपमर्जेंस हो. वो ऑटोमेटिकली मैग्मा ट्राइज टू कम अपवर्ड. एन एरिया अंडर द रॉक लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड क्रस्ट वेयर द मैग्मा इज हॉटर देन द सराउंडिंग मैग्मा. यस राइट, दैट्स करेक्ट. सो इसके वजह से क्या होता है कि लेट अस अज्यूम कि एक हॉटस्पॉट इसके नीचे था, तो ये जो मैग्मा है दैट कम्स अप टू द सर्फेस ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे फिर एक वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है. That is taking place in a single continental plate. इसको intra-continental plate interaction बोलते हैं. इसमें दो प्लेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सिंगल कॉन्टिनेंटल प्लेट में जिसमें कोई कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कोई प्लेट्स नहीं बिड़ रही, कुछ नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली वोल्केनिक इरप्शन इज टेकिंग प्लेस. अब इंटरेस्टिंगली होगा क्या कि वी ऑल नो द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आर मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अर्थ, ये सबको पता है. सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, लेट अस से 1 million ईयर अगो दिस प्लेट वॉज ओवर हेयर, बट दिस स्पेसिफिक प्रेशर पॉइंट विल रिमेन एट दिस पोजिशन. ये प्रेशर पॉइंट अपनी जगह पर ही रहेगा. 1 million ईयर्स बाद ये जो प्लेट है ये एग्जैक्टली इस प्रेशर पॉइंट के ऊपर आ चुकी है, और यहाँ पे फिर इरप्शन हो रहे हैं. फिर आफ्टर 1 million ईयर्स अगो जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो इस मेंटल प्लूम या फिर इस हॉटस्पॉट के इन्फ्लुएंस के बाहर चली जाएगी. तो हुआ क्या कि फॉर से ऑलमोस्ट 50,000 ईयर्स जो है हमारा इन्फ्लुएंस था इस हॉटस्पॉट पे, इस प्लेट के ऊपर, तो उस वजह से यहाँ पे एक किसी तरह का फॉर्मेशन होगा. 1 million तो मैं अप्रोक्सीमेटली टाइम बता रहा हूँ कि उसको क्रॉस करने में लगेगा. जो कंप्लीट इन्फ्लुएंस होता है उसको काफी कम लगता है. हाँ, डेक्कन प्लेटू पे इसलिए हुआ क्योंकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो बहुत स्लोली मूव कर रहा था. हाँ हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो रिलेटिवली थोड़ा सा स्लो मूव कर रहा था.
सो इससे क्या हुआ, इसको बोलते हैं रियूनियन हॉटस्पॉट, और उसके वजह से हमारा ये डेक्कन प्लेट्यू बना है. सो दिस इज वे ओल्डर देन आर नॉर्दर्न प्लेन ऑलवेज. इसके भी काफी मिलियन ईयर्स अगो के बाद यूरेशियन प्लेट के साथ इंडियन ओशन कोलाइड गया, उसके बाद पूरा हिमालयन सिस्टम बना, रिवर सिस्टम फ्लो हुई, फिर उस रिवर सिस्टम के वजह से नॉर्दर्न प्लेन बना है. तो आर डेक्कन प्लेट्यू इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, उसका फॉर्मेशन का सोर्स अलग है एंड टाइम पीरियड भी कम्प्लीटली डिफरेंट. ये तो फिर फिजिकल ज्योग्राफी हो गया पूरा, बता देता हूँ. कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मतलब लेट अस टेक, हमारे पास दो प्लेट बाउंड्रीज हैं. हाँ, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज होती हैं जब वो ऐसे ट्रांजिशनली ऐसे इंटरैक्ट करती हैं, उसमें कोई डाइवर्जेंस सबवर्जेंस नहीं होता, उसमें वोल्केनो नहीं बनेगा. वोल्केनिक इरप्शन तब होगा जब कोई प्लेट एक दूसरे प्लेट के नीचे जाए, सबवर्जेंस हो किसी प्लेट का, नीचे जाए मतलब अर्थ क्रस्ट के नीचे चले जाए, एस्थेनोस्फीयर में प्लेट जाएगी तो फिर वो डायल्यूट हो जाएगी और फिर वो जो सॉलिड रॉक है वो मैग्मा में कन्वर्ट होगा. अर्थक्वेक ट्रांसफर प्लेट में सिर्फ अर्थक्वेक आएंगे, उसमें कोई वोल्केनिक एक्टिविटी है, वो वोल्केनिकली एक्टिव नहीं होते, सिर्फ टेक्टोनिकली एक्टिव होंगे. ये एक ब्रीफ आइडिया था कि वाई आर डेक्कन प्लेट्यू कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन. आइडियली जो आधे बैच को पता होना चाहिए. और ये हॉटस्पॉट का नाम रियूनियन हॉटस्पॉट है एंड ये मेडागास्कर के थोड़ा सा साइड में है. तो जब इंडियन कॉन्टिनेंटल मेडागास्कर, अगर किसी को आइडिया ना हो, जैसे ये अफ्रीका, हाँ, बहुत बड़ा सा एक आइलैंड है, तो उसके जस्ट थोड़े से साइड में है रियूनियन. अभी उसके एक रियूनियन आइलैंड भी एक है, वो फ्रेंच ऑक्यूपेशन में, उसमें भी करंट अफेयर्स में नहीं रहती है. तो ये जब इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट उसके ऊपर थी, तब ये डेक्कन प्लेट फॉर्म हुआ था, और इसलिए उसका जो रॉक है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है नॉर्दर्न प्लेन के. कौन सा रॉक वहाँ पे मेजोरिटी में मिला जाता है, ये तो मिनरल्स हैं, बसाल्टिक रॉक फॉर्मेशन से बनाए. अगर कोई उस साइड गया होगा तो देखोगे तो लाल मिट्टी होती है, तो कंप्लीट काली मिट्टी होती है वहां पे, बसाल्टिक रॉक बहुत काला होता है. राइट, तो दिस इज आवर थर्ड थिंग, हिमालयन नॉर्दर्न प्लेन एंड देन उसके बाद ये प्लेट्यू फॉर्मेशन. और आई होप हमको एक समझ आ रहा है कि ये किस तरह बने. पहले प्लेट्यू फॉर्मेशन हुआ था, उसके काफी मिलियन ईयर्स बाद जब हमारे इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के साथ इंटरैक्ट किया, उसके बाद हिमालयन फॉर्मेशन हुआ, फिर हिमालय बनने के बाद देन आफ्टर दैट ये जो व्हाट वी कैन से, आई एम फॉरगेटिंग द स्पेसिफिक वर्ड, होता है कि वो रिवर्स फॉर्म हुई है. ये रिवर्स जो है पोस्ट हिमालयन फॉर्मेशन की वजह से हुई है, इंदस और बाकी की रिवर्स. तो उन रिवर्स ने फिर ये है इरोड किया सारा मटेरियल ऊपर से और नीचे प्लेन्स में डिपॉजिट किया, दैट्स व्हाई उसके बाद फिर नीचे प्लेन फॉर्मेशन हुई है. जैसे मैं बोला था कि वो इरिगेटेड है थ्रू दिस रिवर सिस्टम, और ये प्लेट्यू जो इन सबसे बहुत पुराना है. दैट्स व्हाई वी से द पेनिनसुला प्लेट्यू इज द मोस्ट स्टेबल थिंग इन ऑल ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, क्योंकि ये बहुत पहले फॉर्म हो चुका है, इसमें आप कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती है. एट मोस्ट अगर कुछ होता है तो विंध्याज एंड सतपुरा धातु ब्लॉक माउंटेन, हाँ, तो दीज आर टू ब्लॉक माउंटेन. उसके अलावा टेक्टोनिकली एकदम स्टेबल, स्टेबल मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होते. राइट, समझ आ रहे हैं ना कुछ? ये तो बस एक ओरिएंटेशन है, मैं देख रहा हूँ क्या कितना कंफर्टेबल हो, क्या हम किस स्पीड और किस नॉलेज बेस पे हम बात कर रहे हैं. किसका? नहीं, वो तो पूरा मिट जाएगा फिर, पाम से हो नहीं रहा, इसमें छोटा ही आ रहा है उसमें. उसमें तो होता था, मैं पूछ लूंगा टेक्निकल टीम से. फिर उसके बाद फिफ्थ चीज कोस्टल प्लेन्स, चार हमने मेन कर लिया, देन लास्ट वन रिमेनिंग इज कोस्टल प्लेन्स प्लस आइलैंड्स. यस, समवन इज सेइंग समथिंग. ठीक है, सो हाउ लॉन्ग आर कोस्टल बाउंड्री? including these two islands, and excluding island is almost 6100. Right, so we have a coastal boundary from this point of Gujarat till this point of Gujarat, West Bengal, and we have two islands, Lakshadweep and Andaman Nicobar, jinka geography wala physical ho gaya hai. Lakshadweep Andaman Nicobar kaise bane? Ha, volcanic eruption and then coral deposition ki wajah se bane. Basically, volcanically erupted these islands and उसके बाद coral deposition की वजह से वो बने हैं.
दोनों अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप एंड वी हैव एन एक्टिव वोल्केनो इन अंडमान निकोबार बैरन आइलैंड. नारकोंडा एक और वोल्केनो है. बार्टन लैंड, बार्टन लैंड इज नॉट वोल्केनो. चेक कर लूंगा मैं. एक एक एक्टिव वोल्केनो है हमारा अंडमान निकोबार में और एक कंप्लीटली पैसिव वोल्केनो है नारकोंडा आइलैंड में. तो ये बेसिकली फाइव डिविजन्स हैं जो हमारे इंडियन ज्योग्राफी में है. वी विल डिस्कस दिस इन थोरो. और जिनका कुछ भी नहीं हुआ आइडिया, मतलब बेसिकली आई विल ट्राई कि उसको किसी तरह हम इंक्लूड कर सकें किससे फॉर्मेशन हो रहे हैं चीजों का. रिवर सिस्टम इन इंडिया, मेजर रिवर सिस्टम कौन कौन सी हैं? कोई एक बोल दो. बस. और सब माइनर रिवर्स हैं जैसे नर्मदा तापी, फिर नॉर्थ ईस्ट की कुछ माइनर रिवर्स हैं. यमुना तो गंगा सिस्टम में आ जाता है. लोहित वोहित फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में आ जाएगा. जैसे बराक एक इंडिपेंडेंट रिवर है नॉर्थ ईस्ट में, अगर किसी को पता नहीं. जो बराक रिवर, बराक में एक बैरेज है. बराक रिवर सिस्टम जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है. ऐसे कुछ माइनर रिवर्स भी हैं. तो आई विल ट्राई कि जो मेजर फाइव या सिक्स रिवर सिस्टम सर ने बताया तो उसको तो हम कंप्लीटली कवर करेंगे, उसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज और सब कुछ. और जो माइनर रिवर है वो करंट अफेयर्स में कोई अगर इन न्यूज है, कोई हॉटस्पॉट में है, आई विल ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो. राइट. सो बेसिकली ब्रह्मपुत्र, इंदस, गंगा, फिर नर्मदा, तापी, महानदी, बेसिकली ये आर दीज नाइन मेजर रिवर सिस्टम्स. रिवर सिस्टम इन द सेंस एक कंप्लीट वाटरशेड होता है, मतलब इनमें कंप्लीट 50-60 बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं और बहुत बड़े एरिया में इन्फ्लुएंस होता है. ऐसा नहीं कि जैसे गंगा इज फ्लोइंग थ्रू दिस तो उसका इतना एरिया होगा. उसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है 1/3 ऑफ इंडिया, जो टोटल इंडिया का लैंड मास है उसका 1/3 में गंगा से रिवर सिस्टम आता है. आई मीन तो उसका वाटरशेड का कंटूर टोटल इंडिया के मास के 1/3 है, एरिया के 1/3 है. कवर लिखा है ना लास्ट में सिंधु इंदस, हिंदी में उसको सिंधु बोल. तो जो उनका रिवर सिस्टम, कोई बता सकता है वाटरशेड क्या होता है? वो तो वाटर डिवाइड हो गया. वाटरशेड एक कंप्लीट टर्म अलग थी. वेदर रिवर इन्फ्लुएंसेस प्रेजेंट. और कुछ और? ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज, एनीवन, व्हाट इज वाटरशेड? हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी वाला बैच. अरे तो वाटरशेड तो पढ़ाया होगा फिजिकल ज्योग्राफी में. रिवर तो इंडिया के बाहर भी है. अच्छा. सो वाटरशेड जैसे मैम बोल रही थी कि कंप्लीट एरिया जिसमें उस रिवर का इन्फ्लुएंस है. या फिर एक वाटरशेड का सिंपल सा डेफिनेशन होता है, जैसे लेट्स से दिस इज आवर रिवर. तो एक कंप्लीट इस तरह का एरिया जिसमें इफ एनी ड्रॉप इज फॉल इन एनी इनसाइड दिस कंट्रोल, दिस विल कंट्रीब्यूट टू दिस रिवर. अगर इस साइड में कहीं भी बारिश या कुछ भी आए तो उसका रिवर इवेंचुअली उस रिवर सिस्टम में वो इंक्लूड होगा. तो वो उसका एक कंप्लीट वाटरशेड होता है. उसी को कॉमन पार्लेंस में वाटर सिस्टम बोल देते हैं. तो गंगा का जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो कंप्लीट इंडिया के एरिया का 1/3 उसका सिर्फ गंगा का रिवर सिस्टम है. वो रिवर के एरिया से बहुत बड़ा होता है. राइट. फिर उसके बाद क्लाइमेट पैटर्न ऑफ इंडिया. ये तो दो चीज हो गई. सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी के 5 डिफरेंट फिजिकल वो फीचर्स थे, उनको डिटेल में डिस्कस होगा. फिर इंडियन रिवर सिस्टम. ये प्रीलिम्स मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं. प्रीलिम्स में तो भर के क्वेश्चन आएंगे रिवर सिस्टम पे. हर साल ही 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं. फिर उसके बाद थर्ड है क्लाइमेट पैटर्न ऑफ इंडिया. ये वाला फिजिकल ज्योग्राफी के बैच का हुआ होगा. थर्ड थिंग इज क्लाइमेट पैटर्न. एनीवन स्पेसिफिक कोई चीज रिलेटेड टू इंडियन क्लाइमेट? मॉनसून. समथिंग एल्स? इंडियन मॉनसून इज अ वेरी
specific, regional specific, time specific thing that is observed only in Indian subcontinent, South Asia. Something else? Your batch is taken by Akshay sir. He was saying ki El Nino in some part was missing. He does not. हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है तो विद क्लाइमेट पैटर्न वी विल बी डूइंग इंडियन ओशन डाइपोल मेड इन जूलियन नथिंग सारा कर लेंगे, कोई इशू नहीं है. तो कंप्लीट ये वाला पार्ट कर लेंगे. देन क्लाइमेट पैटर्न में इंडिया स्पेसिफिक है इंडियन मॉनसून. कोई ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकता है इंडियन मॉनसून क्या होता है? अरे सिंपल भाषा में बोल दो यार, तू डेफिनेशन बता रहे हो. हाँ बोलो बोलो, बात बोलो. हाँ विंड की डायरेक्शन में चेंज होगा, सीजनल होता है स्पेशल. फिर साउथ वेस्ट मॉनसून. हाँ ठीक है, विंड डायरेक्शन में चेंज हुआ, हमारी जो विंड है वो साउथ वेस्ट आने लग गई, तो उसका अप्रोच साउथ वेस्ट था, हमने साउथ वेस्ट उसको मॉनसून बोल दिया. एंड ठीक है, मतलब वी हैव अ बेसिक आइडिया इंडियन मॉनसून क्या है. तो इससे व्हाट ऑल सिग्निफिकेंस डज इंडियन मॉनसून हैव फॉर अस इंडिया? एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन, बिकॉज वी नो दैट मेजर ऑल क्रॉप सिस्टम आर वाटर डिपेंडेंट, रेनफॉल डिपेंडेंट. How much part of Indian agriculture system is irrigated? नहीं, इतना विकास कब हुआ? Almost, मतलब on paper almost 50-55-60%. Rest all irrigation system, मतलब agriculture system is completely dependent on water fed, rain fed. 50-55% जो हमारे agriculture है, उसमें हमको irrigation system provide कर रखा है. बाकी 45% इरिगेशन जो है वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है इरिगेशन के. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इंडियन मॉनसून का बहुत मेजर पार्ट है हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, क्योंकि हमको जैसे अभी तो नहीं पड़े एल नीनो या इन चीजों की वजह से इंडियन मॉनसून में काफी फर्क आता है. तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी यील्ड पे, और उस यील्ड का फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा फार्मर इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी, उन सब चीजों पे. अभी हम तो पढ़ रहे हैं अनियन के प्राइस बढ़ते हैं, ये सब बढ़ रहे हैं, तो ये भी डायरेक्टली उससे डिपेंड कर रहे हैं कि इस साल मानसून कैसा रहा. और समथिंग एल्स इंडियन मानसून से? तो कुछ भी बोलो यार, इंडियन मानसून से क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लिए? कल्चरल इम्पैक्ट जैसे बोलो बोलो यार, जो मना है बोलो. हर रीजन के, हर स्टेट के फेस्टिवल्स होते हैं. ठीक है, और समथिंग एल्स? हाँ बोलो, कोई भी बोलो. मैंगो शार ये क्या होता है? अरे बोलो बोलो, कोई बात नहीं. राइपनिंग स्पीड बढ़ जाती है उसकी जल्दी. ठीक है, तो बेसिकली वही हो गया इरिगेशन एग्रीकल्चर डिपेंड. नहीं, थोड़ा सा फार फेच हो गया. मतलब स्पेसिफिकली कुछ कुछ डैम्स हैं जो अपने कैरिंग कैपेसिटी पे ही चलते हैं ऑलमोस्ट, तो अगर रेनफॉल ज्यादा हो गया तो फिर वो स्ट्रेस होता है डैम्स को. तो उनको ठीक है, टू एन एक्सटेंड. Watershed is an area of land that drains or shed water into the specific water body, right? Umesh, ठीक है, ये भी ठीक है. कुछ भी बोलो यार, इंडियन मॉनसून का क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ ठीक है, ये भी there's a good point. Disaster management, flood management के लिए, floods and drought both. काफी parts में drought भी आ जाएगा अगर इंडियन मॉनसून proper ना हो तो उसका मतलब एग्रीकल्चर से ज्यादा far-fetched consequences होते हैं. वाटर वेज ट्रांसपोर्ट बहुत ही कम लेवल पे है, तो अभी एज इट इज हम नहीं बोल सकते कि इंडियन इकोनॉमी वाटर वेज ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ेगा. फ्लड्स एंड ड्रॉट एक पॉइंट है, एक यूनिक सा पॉइंट आया. और कुछ? हाँ जी
हाँ प्लस एंड रॉस वाटर एवेबिलिटी ठीक है ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज ये कैसे अरे बोल बोलो बोलो डरो मत यार हंसने दो जो बोलने बोलो हाँ 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 ठीक है ठीक है टू 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 अ सर्टेन एक्सटेंट बोल सकते हैं वैसे जनरली मॉनसून से इंडियन सर होता गया इंडियन मॉनसून से पहले ही जो है ये विंड सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है तो विंड के वजह से भी जो जैसे आइसोलेटेड पार्टिकल जो सस्पेंडेड होते हैं हवा में वो विंड के वजह से भी बह जाते हैं जो आप कह रहे हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर आफ्टर मॉनसून या प्री मॉनसून शावर में ज्यादा होता है जैसे दिवाली के बाद अचानक बारिश आएगी तो उससे हमारा एपीओआई लेवल गिर जाएगा वरना तो विंड सिस्टम वैसे ही बहुत स्ट्रांग है तो उस वजह से मतलब ऐसे नदर्न प्लेन में होल्ड करके नहीं रख ठंडियों में ही जरूर होगा इन विंटर्स दैट व्हाट विल हैपन इज देयर विल बी अ हाई प्रेशर ये पता होगा ना जो ज्योग्राफी पढ़ रखा है हाई प्रेशर की वजह से एक स्टेबल सिस्टम बनता है उसमें विंड नहीं फ्लो करती है तो उस वजह से जो है नदर्न प्लेन में एक्यूमुलेट हो रहा है सारा डस्ट पार्टिकल ठंड में तो उसमें अगर बारिश होती है सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इन्फ्लुएंस की वजह से तो आपका ये पॉल्यूशन लेवल उससे कंट्रोल होता है अच्छा पॉइंट था कोई और बायोडाइवर्सिटी थोड़ा सा मतलब ज्यादा एक्सट्रापोलेटेड हो ठीक है वैसे सही पॉइंट है हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी वही मतलब वाटरशेड मैनेजमेंट डैम डैम से तो बनाएंगे ना ठीक है ये भी सही पॉइंट है एग्रीकल्चर के अलावा कुछ और नहीं नहीं मतलब इकोनॉमिक इम्पैक्ट में वो तो फिर एग्रीकल्चर पे डिपेंड करेगा ना मतलब मेजरली एग्रीकल्चर पे फर्क पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी का मेजर फर्क एग्रीकल्चर पे पड़ेगा इंडियन मॉनसून का हाँ मतलब यील्ड कम होगी इंडियन फार्मर्स की इनकम कम होगी उस हिसाब से रूरल डिवाइड बढ़ जाएगा रूरल पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है सब कनेक्टेड है ये रूरल फूड सिक्योरिटी स्पेसिफिकली अगर बोला जाता अगर मॉनसून रेगुलर नहीं है तो यील्ड पे फर्क पड़ेगा तो इंडियन फूड सिक्योरिटी वर्सेस थ्रेट है गुड पॉइंट और हाँ वही मतलब फूड सिक्योरिटी फूड आएगा फिर एक्सपोर्ट भी करेंगे क्या क्या वोट है वोटर राइट्स हाँ मतलब बोल सकते हैं फेडरल इश्यूज भी आते हैं इससे अगर रिवर में पानी ठीक नहीं है तो कुछ भी बोलो यार ये तो रिवर टूरिज्म हो सकता है दिस गवर्नमेंट इज डेली ऑब्सेस्ड विद टूरिज्म हो सकता है हाँ मतलब एग्रीकल्चर प्लस फिशिंग फिशिंग थोड़ा सा फारफेच है क्योंकि इंडिया में मेजरली फिशिंग जो है रिवर्स पे कम होती है वो इनलैंड वाटर बॉडीज होती हैं कोस्टल में भी कम होती है 65-70% जो है इनलैंड लेक जैसा कुछ बना के रखते हैं या फिर राइस पेडी कल्टीवेशन या छोटे से लेक्स होते हैं उसमें वो एक्वाकल्चर करते हैं तालाब छोटे तालाबों में करते हैं या फिर जहाँ पेडी फील्ड्स होते हैं उसी पे वो फिशिंग भी कर लेते हैं हाँ हाँ फिशिंग इकोनॉमी डोमिनेटेड हो गया मैं बट इन जनरल बोल रहा हूँ अगर टोटल फिशिंग प्रोडक्शन देखा जाए तो 65-70% जो है इनलैंड फिशिंग कंट्रीब्यूशन है नहीं नहीं सर मैं बोल रहा हूँ इनलैंड फिशिंग बहुत ज्यादा है उससे इसमें बहुत कम होता है जो अंदर तालाब हैं अंदर जो छोटे पॉन्ड्स हैं या जो यहाँ पे राइस कल्टीवेशन हो रहा है उसका फिशिंग कोस्टल से बहुत ज्यादा होता है हाँ नहीं सर ये तो फैक्ट बता रहा हूँ मैं ये ओपिनियन नहीं है कि हम एग्री डिसएग्री करें उसमें आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो फिशिंग पोटेंशियल है कोस्टल लार्ज कोस्टल एरिया और हमारा जो ये क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ है बहुत लंबा है तो हमारा फिशिंग पोटेंशियल बहुत अच्छा है कोस्टल फिशिंग हम फोकस कर सकते हैं बट एज ऑफ टुडे हो क्या रहा है कि इनलैंड फिशिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है 65-70% इजीली जो टोटल फिशिंग है मैं आपको कल स्पेसिफिक डेटा या रिपोर्ट दे दूंगा 65-70 इजीली जो है इनलैंड फिशिंग से आ रहा है इसका कोई रीजन बता सकता है क्या अब डिस्कस हुआ तो ये कर लेते हैं मैं बोल क्या रहा हूँ जैसे हम बोल रहे हैं कि 7600 किलोमीटर हमारी टोटल कोस्ट लाइन 7600 किलोमीटर है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत डीप है थोड़ा सा कट हो जाए नहीं पड़ रहा
कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारे 500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे हैं, तो उस वजह से हमारा जो है कोस्टल फिशिंग या सी फिशिंग का जो है हमारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। फिर भी 70% जो है हमारा इनलैंड फिशिंग से कौन आता है, 65-70%। इनलैंड फिशिंग इन द सेंस जैसे छोटे तालाब होते हैं, कोई गांव से होगा तो उसने देखा होगा कि जो किसने देखा पैडी कल्टीवेशन, आपने उसमें देखा उसमें ही मछलियां भी करते हैं, तो उसी हमारे जनरली एक्वाकल्चर जो प्रोड्यूस है वहीं से होता है। हाँ जनरली लेक्स ऐसे मैनमेड ही होते हैं क्योंकि वो उनको बनाया इसलिए जाता है कि फिश कल्टीवेशन के लिए, और वो काफी ज्यादा सच मतलब उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है उसे 200 गुना पे वो उगा रहे होते हैं। तो कोई रीजन बता सकता है इसका? मोर पॉपुलेशन नियर आइलैंड वाटर बॉडीज एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोस्टल फिशिंग। कैन यू एक्सप्लेन दिव्यांशी व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड फॉर कोस्टल फिशिंग? मतलब नहीं, कोस्टल में फिशिंग करने का खर्चा और कमाना चाहिए आइडियली तो। नहीं 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 बहुत स्पेसिफिक है वो, कुछ कुछ नहीं नहीं सर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास एकदम जो कोस्ट लाइन पे मछलियां हैं जनरली उसमें ऐसे कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं होती। नहीं, हमारा जो कोस्ट लाइन है उसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ लंबा होने का फायदा ये है कि उसमें फाइटोप्लैंक्टन और ऑक्सीजन ज्यादा होती है, उसमें सॉल्ट लेवल कम होता है, सलाइन लेवल बहुत कम है हमारा। हमारा आइडियल कंडीशन है कोस्टल फिशिंग के लिए। कुछ भी और कोई कुछ भी बोलो यार, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। फिशिंग इज अ वेरी टेक्नोलॉजिकली इंटेंस थिंग। अगर हमको डीप सी फिशिंग करनी है या थोड़ा सा भी आगे जाके करना है तो हमारे पास अच्छे ड्वेलर्स होने चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए सोना वोना की पता चले फिश डेंसिटी कहाँ पे है, और कोल्ड स्टोरेज भी चाहिए होती है हमको, क्योंकि फिशिंग का ऐसा नहीं होगा कि सुबह गया वो शाम को आएगा, कभी कभी काफी दिनों के लिए भी वो लोग जाते हैं। ठीक है, ये कि बहुत अच्छा पॉइंट था, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमको। ये वी आर डिस्कसिंग, सबको समझ आ रहा है ना, वी आर डिस्कसिंग हियर कि व्हाट आर द चैलेंजेस कि इंडियन कोस्टल शिपिंग उतना डेवलप नहीं है। हाँ सर, मतलब सी फिशिंग या डीप सी फिशिंग थोड़ा सा चैलेंजिंग है उसमें, जैसे आपने बोला करंट सरफेस भी होते हैं, डीप सरफेस करंट, डीप करंट भी होते हैं, और वेदर पैटर्न भी काफी चेंज होते हैं ओशियन में। नहीं, उल्टा होता है सर, ओशियंस में हैबिटेट इजीली फॉर्म होगा तो वहां पे रिच बायोडाइवर्सिटी और हेल्दी हमको कैच मिलेगा। छोटे लेक्स में होता गया, किसी ने नहीं देखा तो मैं कोई फोटो ले आऊंगा सर, बहुत छोटे से लेक में उसमें जैसे उनकी कैरिंग कैपेसिटी 21,000 होगी तो 40,000 ऑलमोस्ट डबल उसकी कैरिंग कैपेसिटी का प्रोड्यूस हार्वेस्ट कर रहे होते हैं फिशेज, तो उसमें फिर उसका उल्टा होगा, बायोडाइवर्सिटी बेकार होगी, कैच का प्रोड्यूस वो मतलब क्वालिटी बहुत बेकार आती है। या रिच पैड जैसे पैडी तो पता है ना, 20-25 सेंटीमीटर तक वो पानी रखते हैं उसमें, फिर उसमें धान, पैडी धान होता है तो उसमें धान डाला जाता है, तो पैडी कल्टीवेशन में भी उसमें फिर मछलियाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब दो या तीन इस तरह की एक सर्कुलर हमने एक चीज बना ली कि जो फिश का जो वेस्ट होगा वो एज अ मैन्यूर यूज कर सकते हैं और फिश जो है वीड्स को रिमूव कर देगा, तो ये एक तरह का सर्कुलर कॉन्ट्रीब्यूटरी इकोसिस्टम बन जाता है। और कोई चैलेंज? स्मॉल स्केल पर है वो, तो उनका उतनी कैपेसिटी भी नहीं है, दो दिन तक जाओ कैच करें, ठीक है, स्मॉल स्केल है हमारी जनरली। स्मॉल स्केल फिशिंग इंडस्ट्री है जनरली, एक फैमिली हाउसहोल्ड होता है, भाई हाँ जी, मैं सर कल डेटा ले आऊंगा, अरे मैं रिपोर्ट डेटा ले आऊंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, मैं कल डेटा ही ले आता हूँ। तो फिर और उसके बाद
टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस में होगा, हमारे पास वो नहीं है कि कहाँ पे फिश कैच बेटर होगा। हाँ, नॉलेज, डेटा और रियल टाइम में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं हम शेयर कर पाते फिशरमैन के साथ। वेदर क्लाइमेट में, हाँ, सडन वेदर चेंजेस की वजह से भी जो वो फिश पॉपुलेशन है वो वेरी करती है, तो हम रियल टाइम पे डेटा नहीं शेयर कर पाते। ठीक है, डिसेंट है। कंपनी, हाँ मतलब लार्ज स्केल पे होता है, लार्ज स्केल पे होता है। हाँ, हमारा स्मॉल जैसे नॉर्मल फार्मर का भी, वैसे एग्रीकल्चर का भी है, फिशरीज का भी, राइट? ये हम छोटे छोटे थिंक टैंक हैं सर, प्लीज आपस में थोड़ा बात ना करें। वैसे ये भी सर आइडियली उल्टा ही होता है कि ओशियंस में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है फिशेस की, ये तो मतलब एक चैलेंज की तरह बोल सकते हैं कि ओशियंस में इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है कि मार्केट वैल्यू इज नॉट सेम फॉर ऑल दिस स्पीशीज ऑफ फिशेस, वी नीड स्पेसिफिक फिशेस होज मार्केट वैल्यू इज वेरी डिसेंट, सो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज कि हाँ मतलब दिस इज अ चैलेंज कि इफ वी कैप्चर द होल स्कूल ऑफ फिशेस so there will be 20% of the fishes that we that is economically feasible and rest 80% of the catch is waste, so matlab that is challenging, so is the biodiversity in ocean is way more that we can observe in small lakes and in fisheries, right? ha matlab ha scallops prawns ye sab bhi fir fish wahi pakad sakte hain coastal areas mein, prawn cultivation inland nahi ho payega na, वो फिर फिशरी थोड़ी बस। अब राइट, ये हो गया। फिर इसके बाद इंडियन मॉनसून सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद व्हाट वी कैन डिस्कस इज सोइल फॉर्मेशन हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी जिन जिन का हुआ है, सोइल फॉर्मेशन, सोइल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मेशन, ब्लैक सोइल किधर, एलुवियल सोइल किधर है, अच्छा ठीक है, तो ये भी कर लेंगे फिर। सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन कि इंडियन पूरे सब कॉन्टिनेंट में कहाँ पे कौन सी सॉइल है, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है और वाई दे डिफरेंट। जैसे एक छोटा सा आइडिया मैंने दिया कि जैसे फाइव हमने डिफरेंट जियोग्राफिकली डिवाइड किया, उनका फॉर्मेशन ही कम्प्लीटली डिफरेंट है, सोर्स भी, टाइम पीरियड भी, तो दैट्स तो कॉमन सी चीज है कि उनका जो बेस रॉक होगा वो डिफरेंट होगा, तो रॉक से जो रॉक से ही सॉइल बनती है, रॉक टूटा तो सॉइल बन गई, तो उसका जो सॉइल होगा वो भी डिफरेंट होगा, तो पूरे इंडिया में कम्प्लीटली डिफरेंट सॉइल मिलती है। देन हैव वी डन इंडियन एग्रीकल्चर, नहीं इकोनॉमी में, अच्छा इंडियन एग्रीकल्चर नथिंग, ठीक है विल डू इंडियन एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, हाँ लैंड रिफॉर्म्स भी बिल्कुल नहीं हुआ है, तो प्लीज 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 आपस में बात मत करो। लैंड रिफॉर्म्स पोस्ट इंडिपेंडेंस देयर वाज सम इश्यूज विद, हाँ कट ऑफ ऑफ जमींदारी सिस्टम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, अच्छा ठीक है, एंड इंडियन एग्रीकल्चर, एनी नो वन हैज डन इंडियन एग्रीकल्चर, राइट? ठीक है, ठीक है यार, आपस में वो लड़ रहे हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। देन उसके बाद इकोनॉमिक तो बोला कि मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रीज, वेयर इंडस्ट्रीज आर फॉर्म ड्यू टू विच फैक्टर्स, ये सब भी नहीं हुआ।
And mapping works new one. Mapping also will do in detail. वही कर रहे हैं सर. तो वर्ल्ड मैपिंग में कुछ हुआ है? तो यही तो होता है वर्ल्ड मैपिंग. आप लोगों को कुछ हुआ है वर्ल्ड मैपिंग में? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. तो ये एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स, देन उसके बाद इंडस्ट्रीज, then mapping. This will be primarily the heads. ये basic framework रहेगा. इसके अंदर हम इंडियन के तो काफी geography हो गया, तो ये सारा हम complete कर लेंगे. Any suggestions किसको कुछ और add करवाना हो? जैसे एक El Nino में को भी याद है, वो El Nino नहीं हो रखे थे. कोई repeat भी कर सकते हैं climatology या किसी चीज में, अगर कोई कोई चीज अगर fast हुई या नहीं हुई ढंग से. Human geography is a completely different thing, but to some extent we are doing it. We are doing Indian agriculture, we are doing land reforms, we are doing industries. This is what Indian human geography is. Settlements matlab? वो तो ठीक है, वो भी कर लेंगे डिस्कस. हाँ नहीं, वो तो मेरे को इंडियन ज्योग्राफी बोला गया ना, ये तो ह्यूमन ज्योग्राफी भी हो गया आपको. हम ह्यूमन भी करवाए दें इसके साथ. मैं बोल रहा हूँ और कुछ ऐड करवाना है आपको? फिर वो तो फिजिकल ज्योग्राफी हो जाएगा. हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है राइट. सो ये बेसिक फ्रेमवर्क रहेगा. मेल कर सकते हैं अगर किसी को कुछ और ऐड करवाना हो. ठीक है, एक थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म और कर लेते हैं. टाइम कितना हो गया? 15 मिनट है. एक ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं कि इंडियन स्पेसिफिकली व्हाई इंडियन ज्योग्राफी इज नीडेड फॉर सिविल सर्विसेज. हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब तो काफी कॉमन सी चीजें. व्हाई वी नीड इंडियन ज्योग्राफी? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए चाहिए, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए चाहिए, बॉर्डर सिक्योरिटी. नहीं, ह्यूमन इंडियन ज्योग्राफी की चाहिए. नहीं, वो तो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है. हमको ये क्यों पता होना चाहिए माउंटेन्स इधर हैं, रिवर्स इधर हैं, ये उधर है, ये उधर है. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए फर्स्ट पॉइंट. इंफ्रास्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी बोल सकते हैं. देन उसके बाद टू अंडरस्टैंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन. इससे क्या होगा? This will lead to, I know resource distribution, then what? नहीं, इससे उससे होगा क्या? रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं. तो जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है वो रिसोर्स स्पेसिफिक जगह पे हम लगा सकते हैं ना. हमको रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा तब एफिशिएंटली हम अपनी इकोनॉमी रन कर सकते हैं. जहां पे बसाल्ट होगा वहीं पे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री बनेगी. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इसके अलावा वाई वी नीड जो इंडियन ज्योग्राफी, किसने बॉर्डर मैनेजमेंट बोला था? बॉर्डर मैनेजमेंट हमारे नदन पार्ट्स पे, जो पूरा इंडियन हिमालय जो है हमारी नदन बाउंड्री डिफाइन कर रहा है. तो वी हैव वेरी स्ट्रेटेजिक सम पासेस, तो उन पासेस की डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी बहुत जरूरी है. तो उससे हम अपना बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं. दैट इज अ पॉइंट. इसके अलावा कुछ भी बोला है तो ओपन एंडेड चीज है. लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, रिवर्स सिस्टम अगर पता होंगे, या फिर एक्टिव फॉल्ट लाइन पता होंगे तो उसे सिस्मिक ज़ोन्स बांट चुके हैं. तो कैसे? ऐसे कैसे पूछ लिया? एक्सप्लेन कीजिए. बोलो बोलो, बोलते रहो यार.
बोल बोल रीजनल आप कह रहे हैं कि रीजनल ज्योग्राफी के हिसाब से कल्चर इन्फ्लुएंस होते हैं, ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस कल्चर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है ये। हिमालयन रीजन है तो वहां पे माउंटेन कल्चर होगा, वहां पे अलग ट्राइब्स होती हैं, वहां पे उनका अलग कल्चर होता है, जैसे उनकी वर्शिप करने की चीजें अलग होती हैं, उनका लाइफ स्टाइल अलग होता है, वहां का एग्रीकल्चर और जो वहां पे उनका सारी चीज होती है वो डिफरेंट होगी, लोकल इकोनॉमी डिफरेंट होगी, वो भी कल्चर से इन्फ्लुएंस होगी, कल्चर जो है हमारी ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस होगा। अब जैसे सदर्न इंडिया में खाएंगे तो आएंगे तो उसमें कोस्टल इकोनॉमी है, तो वहां पे नॉनवेज कंजम्पशन इज वेरी नॉर्मल थिंग। हाँ वही मैंने लिखा ना, ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस कल्चर, ये एक अच्छा पॉइंट है इंडियन ज्योग्राफी टू अंडरस्टैंड कल्चर भी एक है। समथिंग एल्स कुछ भी बोलो यार, बस एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स allocate resources to private area forest culturally different tribe. और कुछ नहीं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हेल्प हो सकती है अगर वी नो कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी हो किस तरह कहाँ पे स्प्रेड हो रखा है। ब्रिलियंट पॉइंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ क्या, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, कोई स्पेसिफिक कोई पॉलिसी या रूल्स बता सकते हैं जो मतलब रिसेंट टाइम्स में आए हो स्पेसिफिकली दैट रिलेटेड टू ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन फॉर स्पेसिफिक ज्योग्राफी? बहुत सारे आए हैं। हाँ तो कोई उसमें कोई स्पेशल कोई क्लॉज पता है? एक मिनट, कोई स्पेशल क्लॉज उसका? नहीं, मैं ये बोलूँ ना, इंडियन ज्योग्राफी अगर हमने समझ ली तो रीजन स्पेसिफिक कंजर्वेशन कर सकते हैं हम, तो उसके लिए कोई नया रोया है क्या? एक बफर रीजन में हम लोकल पीपल्स को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, रीजन स्पेसिफिक कोई कंजर्वेशन में बोल रहा हूँ, हिमालयन रीजन में स्पेसिफिक कोई कंजर्वेशन के लिए नया लॉ आया, कोस्टल रीजन के लिए कुछ अलग हो, फॉरेस्ट का वही बोला उन्होंने भी, समथिंग एल्स रीजन स्पेसिफिक, हिमालयन के लिए कोई अलग, कंजर्वेशन के लिए कुछ नई पॉलिसी, कोस्टल्स के लिए कुछ अलग, सीआरजेड वंडरफुल वंडरफुल, यही मैं सुन रहा था, सीआरजेड रेगुलेशन एक आई है, कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है ये हर 2 या 3 साल में अमेंड करते रहते हैं, तो अभी 2021 या 22 में शायद रिसेंटली अमेंड हुई है ये कोस्टल रेगुलेशन जोन, पता है कोई एक्सप्लेन कर दो फिर एक। मतलब एक ग्रेडेड सब भूल गए भाई लोग। हाँ मतलब कोस्टल रीजन्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कोई भी डेवलपमेंट है, उसको एक ग्रेडेड स्टिकनेस दे रखी है कि वेरी क्लोज टू द कोस्ट बहुत स्टिक लॉज होंगे, और जैसे कोस्ट से हम जितना दूर जाते रहेंगे तो लॉज आर लिटिल बिट लीनियंट। पॉपुलेशन पे डिपेंड है। हाँ वही कह रहा हूँ, कोस्टल रीजन से जितना दूर है उतने हिसाब से कंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। समथिंग एल्स, एक कोस्टल रेगुलेशन जोन है, ये एग्जांपल हुआ कि रीजन स्पेसिफिक कंजर्वेशन एक्टिविटी है, एक पॉलिसी है कि कोस्टल रीजन के लिए हमने सेपरेट डेडिकेटेड पॉलिसी बनाई है। इतने सारे यार, कोई तो बता दो, कुछ 50 होते हैं ऐसे। वेटलैंड का है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, वेटलैंड मैनेजमेंट के अलग से रूल्स आते हैं, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंडर जनरली ऑल दीज रूल्स करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, कोस्टल रेगुलेशन रूल, वैसे एक वेटलैंड का स्पेसिफिक रूल्स हैं, वेटलैंड मैनेजमेंट रूल वो इसमें आते हैं, मैंग्रोव्स के लिए भी हैं। एक सीआरजेड हो गया, एक वेटलैंड प्रोटेक्शन के डिफरेंट रूल्स ही आते हैं। वेटलैंड प्रोटेक्शन रूल, जैसा कुछ बोल रहा था,
4 डिफरेंट जोन में डिवाइड कर रखे हमने. फोर डिफरेंट जोन हम डिवाइड कर रखे. समथिंग एल्स मैंग्रोव्स के लिए मतलब ऐसे डेडिकेटेड नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी लॉस के अंदर रूल्स आ रखे हैं, स्टैट्यूटरी बैटिंग है इनकी, तो दीज आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स, को कोई वायलेट नहीं कर सकते हैं. बहुत सारे यार, कोई भी बता दो, बहुत सारे रूल्स हैं. हिली एरियाज के लिए आते हैं, जैसे करंट अफेयर्स हुआ है सबका. नहीं डेजर्ट के लिए नहीं है. कुछ तो ये एक होमवर्क, ये नेक्स्ट क्लास में सबको करके आना है. जैसे ये हैं, ये दोनों जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, स्टैट्यूटरी एक्ट है, उसके अंडर स्टैट्यूट में दोनों बनाए गए हैं. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का ये. तो ऐसी कम से कम 8-10 और पॉलिसीज हैं, ये सबको कल ढूंढ के ले आनी है. उसके कोई एक्ट है, कोई एक्ट मतलब एक्ट की बैटिंग है, किसी किसी के लिए नहीं भी है. मैं तो रीजन स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, जैसे ये कोस्टल रीजन है उसके लिए. हाँ कोरल लीव से रिलेटेड बहुत सारी गाइडलाइंस है. तो ये एक होमवर्क है, ये करंट अफेयर्स इन्फ्लुएंस को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. जैसे इफ देयर इज सम काइंड ऑफ अमेंडमेंट और समथिंग टू ऑल एनी ऑफ दिस रेगुलेशन दैट हैज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी टू बी इन आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर्स नेक्स्ट ईयर. सो यू हैव टू सर्च लास्ट टू ईयर्स में ऐसी कौन सी पॉलिसीज नए रूल्स आए हैं स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक रीजंस, वेटलैंड को लेके, पहाड़ को लेके, कोस्टल एरियाज को लेके, आइलैंड्स को लेके. राइट, सो दैट इज फॉर टुडे. कल से फिर हम स्टार्ट ही कर लेंगे प्रॉपर.